हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक हैक में। तो दोस्तों, आज हमारी टेक न्यूज का एपिसोड नंबर 3 और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग लीक्स और रूमर्स यहाँ पे स्मार्टफोन और भी काफी ज्यादा टेक प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूज लेके आ चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से आज की इस अमेजिंग टेक न्यूज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है वन प्लस की तरफ से। और दोस्तों आपको पता होगा वन प्लस की जो 9 सीरीज है वो 23 मार्च को इंडिया में लॉन्च की जा रही है और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे वन प्लस की एक वॉच को भी लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वॉच की जो इमेजेस हैं वो मैं आपको शो करने वाला हूँ। यहाँ पे इसकी इमेजेस हमारे पास आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं इमेज में जो वन प्लस की वॉच है वो काफी ज्यादा प्रीमियम हमें देखने को मिल रही है। और वही दोस्तों आपको इसमें जो डिस्प्ले वो भी आपको सर्कुलर मिलेगी, रेक्टेंगुलर डिस्प्ले आपको इसमें नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये जो वॉच है वो आपको IP68 की रेटिंग के साथ मिलेगी, तो ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगी, तो ये काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं 23 मार्च को ये जब ये लॉन्च होगी तो इसकी क्या प्राइसिंग आती है। प्राइसिंग अभी यहाँ पे लीक नहीं हुई है इस वॉच की। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है मोटोरोला की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे मोटो जी सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन आने वाला है जो है मोटो G60। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा और इसके जो स्पेक्स हैं वो आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो डिस्प्ले आपको दोस्तों इस स्मार्टफोन में मिलेगी 120 हर्ट्ज की एक फुल HD डिस्प्ले। वहीं दोस्तों कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मिड रेंज में मैं कहना चाहूंगा काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये जो फोन है वो आने वाला है। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है रियलमी की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे रियलमी का 8 प्रो स्मार्टफोन जो है इसकी जो लॉन्च डेट है वो यहाँ पे सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है दोस्तों ये जो फोन है वो 24 मार्च को लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। वही दोस्तों स्पेसिफिकेशन आपको इस स्मार्टफोन की पता ही होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको क्विकली बता देता हूँ। आपको इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है और चार्जिंग जो आपको 50 वॉट्स की देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों अभी ज्यादा लीक्स मेरे को भी इस फोन की पता नहीं है, तो देखते हैं 24 मार्च को क्या कुछ हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है ब्लैक शार्क की तरफ से। और दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस टेक न्यूज में बताया था कि ब्लैक शार्क 4 जो है वो जल्द ही चाइना में लॉन्च होने वाला और हो सकता है उसके बाद इंडिया में या शायद चाइना के साथ इंडिया में भी लॉन्च किया जाए ये जो स्मार्टफोन है। तो आज इसकी कुछ लाइव इमेजेस हमारे पास आ चुकी है, तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन के बैक में क्रॉस डिजाइन देखने को मिलता है जो काफी अच्छा मेरे को यहाँ पे लग रहा है। और दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस टेक न्यूज देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। तो अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है पबजी मोबाइल की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन ने इंडिया में लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे हो सकता है जो गेम है वो काफी जल्दी लॉन्च किया जाए वापस इंडिया में। बट दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जो लीक है वो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है। तो अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है वीवो की तरफ से। और दोस्तों वीवो का एक और नया स्मार्टफोन Vivo Y72 जो है वो 22 तारीख को लॉन्च होने वाला है थाईलैंड में। तो इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है, तो मैं आपको कुछ इसकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ, साथ ही साथ इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर जो की एक 5G प्रोसेसर है। वही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में एक 6.58 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। कैमरा दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। वहीं दोस्तों अगर हम डिजाइन की बात करें तो आप क्लियरली इमेज में देख सकते हैं जो फोन है वो काफी अच्छे लुक के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में कब लॉन्च होगा ये अभी यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो भी अभी यहाँ पे लीक नहीं हुआ है। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे निकल के आती है वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए। और दोस्तों जितने भी यूजर्स यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया की सिम यूज कर रहे हैं अब वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से अपनी सिम को रिचार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये जो नया फीचर है व्हाट्सएप का वो कैसा लगा है, और आप मुझे ये भी बताइए क्या आप व्हाट्सएप को अपनी सिम रिचार्ज करने के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।